हेलो दोस्तों, आपका बिल्कुल नई वीडियो के अंदर स्वागत है। और आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि आप इस MIUI के डिफॉल्ट एरर को कैसे बदल सकते हैं, मतलब यार फुली कस्टमाइज कर सकते हैं और इसकी जगह एक बहुत ही कमाल का डायलर कैसे लगा सकते हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखते रहना अगर आप एक भी पार्ट मिस नहीं करना चाहते तो। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो फटाफट से जाके यार सब्सक्राइब वाले बटन को फोड़ दो, साथ वाली घंटी भी दबा दो ताकि आपको जाके आगे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे एंड आप कोई वीडियो मिस ना कर दें। अब यार बात कर लेते हैं उस डायलर के बारे में। तो भाई वो जो डायलर है वो एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है ट्रूफोन, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। तो ये वो एप्लीकेशन आपको देखने को मिल जाती है, जाके इसे प्ले स्टोर से फटाफट से इंस्टॉल मार लीजिए एंड इंस्टॉल मारने के बाद इसको ओपन कर लीजिए यहाँ पे। तो भैया ये एप्लीकेशन हो चुकी है ओपन एंड मैंने यार इसकी थीम चेंज कर रखी है, जो कि पहले ब्लू थी जो कि बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी, बट अब मैंने इसको वाइट कर लिया। तो ये भी कर सकते हैं, कैसे करना है यार, सेटिंग्स में जाना है, यहाँ पे क्लिक करिए, फिर जाइए अपीयरेंस के अंदर एंड यहाँ पे जाने के बाद आपको थीम पे जाना है एंड थीम पे जाने के बाद आपको इसको डे नाइट मोड पे स्विच कर देना है, जिससे आपकी थीम डार्क और लाइट में स्विच होगी जब आप डार्क और लाइट मोड में स्विच करेंगे अपने फोन को, मतलब सिस्टम सेटिंग से लिंक्ड हो गया। तो भैया ये तो हो गया डायलर का काम, अब बात करते हैं इसके फीचर्स के बारे में एंड ये आपको कैसे कस्टमाइजेबल देखने को मिल जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात कर ले इसका बेस्ट फीचर जो कि है इनकमिंग कॉल स्क्रीन, मतलब जब कोई कॉल आएगी आपको तो उसकी स्क्रीन कैसी दिखनी चाहिए। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन पे क्लिक कर देना है इनकमिंग कॉल स्क्रीन पे एंड यहाँ पे जाने के बाद आपको ऑप्शन देखने को मिलता है आंसर स्टाइल का, इस पे टैप करिए एंड यहाँ पे जाके आप चूज कर सकते हैं कि आपको कैसा आंसर स्टाइल चाहिए। फिलहाल यहाँ मैंने आईफोन सेट कर रखा है, आप गूगल कर सकते हैं और यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं कि ऊपर यहाँ पे कैसा आएगा, ये स्टॉक एंड्रॉइड टाइप का होता है ना, उस टाइप का आ रहा है। फिर आप जाके यहाँ पे मेजू या हुआवे का कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद आसूस हो गया, उसके बाद यहाँ पे सरप्राइज हो गया, उसके बाद टू बटन्स हो गया, नॉर्मल वाला टू बटन्स प्लस SMS हो गया। तो इस तरह से जाके आप पूरी तरह से जो है इसकी इनकमिंग कॉल स्क्रीन को कस्टमाइज कर सकते हैं एंड ये ऐप मैं पहले भी अपनी वीडियो में दिखा चुका हूँ, बट ये एक बोनस एप्लीकेशन थी पर तो कई लोगों को मिली नहीं थी एप्लीकेशन, तो भाई इस पर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा एंड इसका नाम भी है ट्रू फोन, गूगल पर सर्च करती आ जाएगी। तो अब बात करते हैं अगली चीज के बारे में। तो जैसे कि मैंने बताया कि भैया यहाँ पे आप आंसर स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे फोटो स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं कि भाई फुल स्क्रीन आनी चाहिए, ऐसी आनी चाहिए, मतलब इस टाइप की पूरी भर जाए। फिर आप यहाँ पे इसको स्क्वायर में भी कर सकते हैं चाहे तो, फिर इसको आप चाहें तो गोले में भी कर सकते हैं। तो इस टाइप का आपको यहाँ पे लोग देखने को मिलता है, फोटो का स्केल वेल कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, तो ये सब आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आपको लार्ज फोटो और बैकग्राउंड देखने को मिल जाता है, जिससे आप फुल स्क्रीन फोटो को बैकग्राउंड पर रन कर सकते हैं, मिरर इफेक्ट देखने को मिलता है जैसे कि नीचे दिख रहा है, मैं तो इसको ऑफ रखता हूँ, ज़्यादा बेटर लगता है। उसके बाद यहाँ पे फुल स्क्रीन मोड ऑन कर सकते हैं, इससे आपकी जो स्टेटस मेन्यू है वो सब बंद हो जाएगा। अब ये सारी सेटिंग्स करने के बाद अगर आपको कॉल आए तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसा दिखता है। तो अभी मैं अपने इस फोन से दूसरे फोन पर कॉल लगाता हूँ और आपको दिखाता हूँ। तो ये देख सकते हैं मैंने उस नंबर से कॉल करी एंड यहाँ पे मेरी कॉल भी आ गई। अब मैं इसको ऐसे डायरेक्टली पिक कर सकता हूँ और इससे नॉर्मल बात कर सकता हूँ। तो इस टाइप से जो है यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं कॉल को चेंज करने के। अब अगर हम चल जाए डायलर के अंदर एंड यहाँ पे जाके मैं चला जाऊँ सेटिंग्स के अंदर एंड यहाँ पे अपीयरेंस के अंदर और यहाँ पे जाके अगर मैं चाहूँ तो इनकमिंग कॉल को चेंज कर दूँ, यहाँ पे कुछ इस टाइप का कर दूँ, लाइक ये हटा के कर देते हैं यहाँ पे मीजू या हुआवे वाला, ठीक है। तो अब अगर मैं कॉल करता हूँ तो अब देखना स्टाइल जो है वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पे मैं कॉल कर दिए, अब यहाँ पे आ गया ये, तो अब इस पर हमें जाना है एंड यहाँ पे देख सकते हैं कि उठाने और काटने का स्टाइल जो है वो बदल चुका है, यहाँ से उठा और यहाँ से काट सकते हैं। तो इस टाइप में जाके आप जो है यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं अपनी इनकमिंग स्टाइल के अंदर। अब अगर हम चले जाए नेक्स्ट फीचर के बारे में बात करें तो सेटिंग्स में जाके अगर हम चले जाए यहाँ से बिहेवियर के अंदर, तो यहाँ पे जाके आप क्विक एक्शंस, कॉन्टेक्स्ट मेन्यू, आइटम्स, सर्च करना सेटिंग कर सकते हैं, पिक फोन नंबर करना चाहिए, मतलब किसी नंबर को ब्लॉक वगैरह करना हो या फिर कॉल की कंफर्मेशन, और मतलब हर टाइप की आपको यहाँ पे एक्टिविटीज देखने को मिल जाती है। अगर आप डायल पैड में चले जाएंगे तो यहाँ पे आप चूज कर सकते हैं कि आपको T9 वाला चाहिए, कौन सी लैंग्वेज चाहिए, डिस्प्ले डायल पैड का अपीरियंस कैसा होना चाहिए, डायल पैड का साइज बढ़ा दो, ये सब कुछ बढ़ा दो, यहाँ पे ऐसे ग्रेड कर दो, मतलब ऐसे पूरा पिछले जमाने का बना दो, मतलब एक एक चीज़ आप इसमें जाके कस्टमाइज कर सकते हैं। इनकमिंग कॉल स्क्रीन हो गई, आउटगोइंग कॉल स्क्रीन हो गई, ये सब यहाँ पे कस्टमाइजेबल है। और यहाँ पे जाके भी आप फोटो सेट कर सकते हैं, आउटगोइंग कॉल स्क्रीन में आप जाके बटन चूज कर सकते हैं कि आपको कौन से चाहिए और कौन से नहीं चाहिए, ग्रिड साइज चेंज कर सकते हैं लाइक दिस। तो इस टाइप का भी आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाता है एंड यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें लाइक कॉल रिकॉर्डिंग तक आप इसमें कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और भी बहुत कुछ है। लाइक लैब्स में जाएंगे तो यहाँ पे आपको वीडियो कॉल्स भी ऑन करने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो इस डायलर के थ्रू आप वीडियो कॉल्स भी कर सकते हैं, डुअल सिम की सेटिंग वगैरह, मतलब यार हर चीज़ सपोर्टेड है इसके अंदर।
तो ये वो एप्लीकेशन था भाई जिसके बारे में बात कर रहा था। इससे आप MIUI का डायलर या किसी भी फोन का डायलर बिल्कुल ही बदल सकते हैं एंड काफी कमाल का लुक आपके फोन के अंदर आ जाएगा। और यार अब तक मैंने जितने भी फोन एप्लीकेशन यूज करे ये मेरा फेवरेट है। इसे मैं पर्सनली खुद यूज कर रहा हूँ इसको एक हफ्ते से, तो मेरे को काफी ज्यादा पसंद आया, तो मैंने सोचा आपको ये डायलर दिखाना चाहिए। और यही थी भाई आज की वीडियो के अंदर, इस डायलर के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता था। अब चाहे तो इसको चूज करके अपना फोन में एक कमाल का कस्टमाइजेशन लुक ला सकते हैं। तो बस यार वीडियो यहीं तक खत्म करते हैं। एंड आज एक और चीज मैं आपको बताता हूँ कि भाई इस डायलर से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, इस डायलर का लिंक आपको मेरे ब्लॉग पे मिल जाएगा। ब्लॉग पे जाइए, फर्स्ट लिंक पे क्लिक करिए डिस्क्रिप्शन के अंदर, एंड वहां पे आपको बॉटम पे जाने पे इसका लिंक मिल जाएगा। ब्लॉग भी पढ़ लेना, मैंने कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी बता रखे हैं उसके अंदर, तो वो भी आप यहाँ पे जाके जरूर से कर लेना। इस चैनल पे अगर आप नए हो तो यार प्लीज सब्सक्राइब वाले बटन को दबा दो यार, मेरे को सपोर्ट की बहुत जरूरत है क्योंकि यार मेरा मोटिवेशन लेवल डाउन होता जा रहा है, मेरे को सपोर्ट नहीं मिल रहा और सही में यार बहुत बुरा लग रहा है यार, क्योंकि व्यूज नहीं आ रहे और क्या कर सकते हैं यार। तो इसलिए यार सपोर्ट करने के लिए यार अभी के भी लाइक वाले बटन को फोड़ दो एंड साथ में सब्सक्राइब वाले बटन को फोड़ के घंटा दबा लो ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं। तो उसके अलावा यार टेलीग्राम पे भी मुझको आप ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे मैं एक्टिव रहता हूं, आपसे बात कर सकता हूं या जो भी काम हो। और यार इंस्टा पे फॉलो कर लो, वहां पे भी कंटेंट मैं डालता रहता हूँ, तो वहां भी जाके आप फॉलो कर सकते हैं। सबके लिंक्स डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं डाल दूंगा। एंड मैं मिलता हूं आपसे नई वाली वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। और तब तक के लिए हैव अ गुड डे। एंड हाँ, कई लोग बोल रहे हैं यार हॉरर थीम के ऊपर वीडियो लेके आओ, हॉरर थीम के ऊपर मैं एक शॉर्ट डाल दूंगा बहुत जल्दी। एंड साथ ही साथ मुझे ये बताओ कि टॉप 5 एप्लीकेशंस पे वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए, मुझे जरूर से कमेंट्स में बता देना या फिर मैं पोल वगैरह डाल दूंगा तो उससे। हाँ मैंने कमेंट में आपके पोल डाल रखा है, तो वहां जाके मुझे जरूर से बता दो। एंड मैं मिलता हूं आपसे नई वाले वीडियो में किसी और के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।